बारडोली से यहाँ पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर बस नंबर 1 है, बस नंबर 2 है और बस नंबर 3। तीन बस लेके हम यहाँ पर ये यात्रा के लिए निकले हैं सीनियर सिटीजन। तो सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से चलते हैं उधर। गाइस हम इस कंपाउंड में हैं, तो ये आपका व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। गाइस फिलहाल जो हम यहाँ टेंपल के यहाँ पहुँचे हनुमान जी के मंदिर के सामने, तो ये मूर्ति है बहुत बड़ी हनुमान जी की। तो वहाँ ये बहुत सारे यात्री आए हुए हैं, उन लोगों ने यहाँ अच्छा अनुभव किया है, तो वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय सिया राम। यहाँ पे हमको मतलब ज़्यादा टाइम तो मतलब हर महीने में तो नहीं आने बनता है, पर 2-3 मंथ में एक बार आने बनता है। जब भी आते हैं हम सुकून जैसा फील करते हैं, हमारी अलग ही दुनिया है यहाँ पे, अलग ही जुड़ाव लगाव है यहाँ। गाइस ये स्वामीनारायण का टेंपल है जो इधर सामने है, इधर जाएंगे तो इधर भी स्वामीनारायण का ही टेंपल है। ये मेन मंदिर है इधर सामने। गैस ये है यहाँ बंदोबस्त करने वाला, पूरा हमारा बस का अरेंजमेंट वगैरह सब उसने किया है। और हमें एक नहीं, कितनी बस लेके आए? तीन बस लेके आए। गैस यहाँ पर सब साधन मिलता है पूजा के लिए, पूजा पा क्या बोलते हैं, हाँ प्रसादी भी मिलते है ना, प्रसाद पेंडा। यस यहाँ प्रसाद दान भेंट वगैरह हैं। यहाँ से सामने देखेंगे तो ये सामने है कष्ट भंजन देव भोजनालय, इधर सामने देखेंगे तो कष्ट भंजन देव सत्य है ऐसा लिखा है, स्टोर लगा हुआ है। दुर्गा से दुर्गा भव सागर नौर संगम।
इस तरह यहाँ पर देखो ये हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। और कैसे लगा? अच्छा गाइस, फिलहाल यहाँ स्वामीनारायण मंदिर के अंदर हम पहुँच गए। तो यहाँ हम अब फिलहाल पहुँचे हैं गेट नंबर 3 के पास। हाँ। तो जो स्वामीनारायण का मेन द्वार है। अच्छा, ये मेन द्वार 3 नंबर पर है। 3 नंबर में स्वामीनारायण का मेन द्वार है। अच्छा, यहाँ जो ये कष्टभंजन हनुमान का ये यहाँ गेट पूरा होता है। अच्छा, ओके। हाँ, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। ठीक है, चलो भाई हम गेट नंबर 3 के अंदर एंटर करते हैं। सहारनपुर का स्वामीनारायण का मंदिर जो है वहाँ हम पहुँच गए हैं। अच्छा, कितने बजे होती है? 7:15 को। अच्छा, आधा घंटा चलता है? नहीं, 3-4 मिनट की आरती रहती है। अच्छा, फिर अष्टक होता है। ओके, गुड। हाय गाइस, गाइस इस टेंपल से उस टेंपल की ओर जाने का ये रास्ता है। गाइस यहाँ पर हमने मंदिर का दर्शन किया, अभी हम बस स्टैंड के पास जा रहे हैं, मतलब कि बस में बैठने के लिए। गैस अब ये गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं भाई। I want.
forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. गाइस हम पहुंचे हैं बीरपुर, ये है जलाराम धाम, वहां का मुख्य बाजार है। अगर हम यहां पर साइड पर देखेंगे तो ये है जलाराम धाम, जहां पर हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। हम धाम के नज़दीक में ही ये वाव है, ये ऐतिहासिक वाव कहा जाता है। यहाँ पर मूर्ति वगैरह हैं, लेकिन फिलहाल पानी की वजह से हम अंदर जा नहीं सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम नीचे उतर सकते हैं। यहाँ छोटा सा टेंपल भी है। अभी हम पहुँचे हैं जलाराम बापा की जो समाधि है, जो यहाँ पर है वहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल वो बंद है, सुबह और शाम को ही खुली रहती हैं, इसलिए हम उसका दर्शन करके हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा ट्री भी है, और यहाँ का जो फेमस सोडा कहा जाता है जलाराम के यहाँ का, वो हम अभी पियेंगे, क्योंकि वो एकदम फेमस है। खाना खाने के बाद जो
यहाँ का जो सोडा मिलता है वो बहुत बढ़िया है, बेहतर है, ऐसा कहा जाता है। हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। गाइस हम पहुँचे हैं जलाराम बाग के अंदर। ये एक छोटा सा बाग है लेकिन बढ़िया है। चलते हैं अंदर, कैसा है वो हम देखते हैं। फिलहाल तो कड़ी धूप है तो बैठने के लिए यहाँ अच्छा बनाया गया है ताकि हम आराम से बैठ सकें। कहीं धूप है कभी छांव है, लेकिन छांव में बैठना भी मज़ा है ऐसे गर्मी के दिनों में। वैसे मौसम बारिश का है लेकिन फिर भी गर्मी है तो हम आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आसपास का अगर हम नज़र करते हैं तो यहाँ बच्चों के लिए, यहाँ खेलने के लिए बहुत सारे साधन हैं जो फिलहाल तो कोई है नहीं, लेकिन मैं आपको एक नज़र करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एंजॉयमेंट देखो, आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा दिन आप पे आ सकता है, आप भी इसको देख के मजा ले सकते हैं।